एंड फर्स्ट यूनिट जो है आपकी दैट इज़ मेरिस्टमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू सेकेंड ऑर्गन सिस्टम है थर्ड में हम करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ और फोर्थ आपका अडेप्टि एंड प्रोटेक्टिव सिस्टम्स हैं और फिफ्थ यूनिट जो आपकी है वो आपकी कंसर्न है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावर्स है और उसके बाद हम पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन करेंगे फिर सेवन्थ यूनिट में आपका एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर और एंडोस्पाम का स्ट्रक्चर होगा एंड लास्ट में है आपका एपोमिक्सिस एंड पोलियम्ब्रियोनी तो ये आपका जो एच पी यू से आपका सिलेबस है यूनिवर्सिटी वालों ने जो हमें दिया है वो है जो हमें इस साल करना है लेकिन आज जो हमारे पास है जो हमें स्टार्ट करना है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट एनाटॉमी तो जो प्लांट एंड है ये आपकी कंसर्न है विद टू वर्ड दैट इज एना एंड टैमिन एना जो है उसका मतलब होता है एज अंडर और टैमिन है टू कट यानी कि जो प्लांट एंड है उसका मतलब है कि जो हम कोई भी सेक्शन है सेक्शन कटिंग करते हैं फिर उसको हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप ठीक है टू कट एंड टू स्टडी अंडर द माइक्रोस्कोप और प्लांट एनाटमी को ही हम एक और टर्म यूज़ करते हैं और वो जो टर्म है दैट इज़ फाइटोमी और फाइटोमी का भी मतलब क्या हुआ फाइटोमीस प्लांट्स एनटोमी जैसे अनोटोमी हमने बोला तो टू कट होता है इसका मतलब ठीक है यानी कि द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स और स्पेशली हम इसमें जो स्टडी करते हैं वो पार्ट्स स्टडी करते हैं जैसे आपने सेक्शन कटिंग की होगी रूट्स uh, की करते हैं हम स्टेम की करते हैं या लीव्स की सेक्शन कटिंग करते हैं और जो भी सेक्शन कटिंग हम करते हैं उसका हम फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है वो करेंगे यानी कि जनरली हम ये बोलते हैं कि जो प्लांट एंड है दैट कंसर्नस विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है अब आपके पास आपने फ़र्स्ट ईयर में लोअर प्लांट स्टडी किए हैं जैसे एल्गी फंजाई और ब्रायोफाइट्स भी स्टडी किए थे आपने और टैडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म तो दे ऑल वर द लोअर प्लांट्स लेकिन इस साल हमें क्या है कुछ हायर जो हैं वो स्टडी करने हैं यानी कि आपको एनजीओस्पाम्स की एनाटॉमी है सिलेबस में तो एनजियोस्पाम्स में आपने जो है वो क्या करना है आ, सेक्शन कटिंग में आपके पास जैसे रूट्स की सेक्शन कटिंग है स्टेम की सेक्शन कटिंग है और लीव्स की सेक्शन कटिंग है यानी कि हमने जो है एक आपका रूट सिस्टम है या आपका शूट सिस्टम है या हम बोल रहे हैं लीव्स हैं ठीक है अब इनमें हमें क्या है बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो स्टडी करने या, आप यानी कि आप वेरियस टाइप ऑफ जो टिश्यू सिस्टम्स हैं वो स्टडी करेंगे यानी कि हमारे पास बेसिक जो टिश्यू सिस्टम होता है वो होता है तीन टाइप का और वो तीन टाइप का क्या होता है ग्राउंड होता है मैरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और परमानेंट टिश्यू होता है ठीक है और जो हम सामने लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास आ, थ्री बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो एग्जिस्ट करते हैं प्लांट्स के केसेस में तो वो आपके होते हैं ग्राउंड डर्मल एंड वस्कुलर टिश्यू। अब हम टिश्यू सिस्टम बोलते जा रहे हैं तो जैसे हम कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं मान लो चाहे हमने स्टेम का ही इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है या रूट का ही इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है तो वहाँ पे हम क्या ड्रॉ करते हैं बहुत सारी टाइप की सेल्स ड्रॉ करते हैं कई बार हम बोलते हैं भी बच्चों आप स्फेरिकल जो है या ओवल सेल ड्रॉ करो कई बार हम बोलते हैं आप पॉलीगनल शेप की जो डायग्राम है वो ड्रॉ करो तो मतलब आपके पास जो यहाँ पे हमने टिश्यूज ड्रा पूरा टिश्यू सिस्टम जो करना है तो वो किस से कंसिस्ट है बहुत सारी सेल्स से यानी कि आपके पास जो वेरियस सेल्स हैं जो क्या फॉर्म करती हैं वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज फॉर्म करती हैं यानी कि वेरियस टाइप ऑफ़ टिश्यू आपके पास क्या है दो या दो से ज़्यादा जो टिश्यूज हैं वो हो सकते हैं तो इस तरह के जो टिश्यूज हैं वेरियस टाइप के वो क्या फॉर्म कर रहे हैं टिशू फॉर्म टिशू सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं अब हमारे पास टिशू सिस्टम जो है जो हमें पढ़ना है जो सिलेबस में है जो हमारी फर्स्ट यूनिट भी है तो वो क्या है दैट इज़ द टिश्यू सिस्टम और टिश्यू सिस्टम क्या हुआ आपका ग्रुप ऑफ टिश्यूज ठीक है हम क्या बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजिशन इन द प्लांट दैट इज टिशू सिस्टम और ये जो हमें टर्म है टिशू सिस्टम ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो 1875 में सैक ने रिकॉग्नाइज की थी और इन्हीं ने ही हमें थ्री टाइप के जो टिशू सिस्टम हैं वो प्रोवाइड किए थे और जो हमने अभी नाम लिया था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है और ग्राउंड जो टिशू सिस्टम है वो है और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपके पास जो है इसी को ही हम एक और टर्म जो है वो यूज़ करते हैं दैट इज़ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम अब हम जो हमने तीन बेसिक टाइप के टिश्यू सिस्टम किए एपिडर्मल वस्कुलर और ग्राउंड टिश्यू और फंडामेंटल टिश्यू तो इसकी थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन जो है हम वो पढ़ लेते हैं वैसे आप लोगों को पहले भी आपने ये सुन रखे हैं अब जैसे हम कोई भी आ, जो आ, प्लांट स्ट्रक्चर है जब भी हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगते हैं तो सबसे पहले हम बिल्कुल आउटर लेयर ड्रॉ करते हैं ठीक है और उसको हम नाम देते हैं एपिडर्मिस का यानी कि आप एपिडर्मिस ड्रॉ करते हो और उसी एपिडर्मिल एपिडर्मल लेयर में आप स्टोमेटा और कुछ और आउट वो है वो ड्रॉ करते हैं तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी आती हैं इसी पहली कैटेगरी में और वो आपका है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ठीक है और जो एपिडर्मिस है इसमें आपके पास सिंगल लेयर होंगी किसकी पेरिनका सेल्स की और ये कम्पैक्ट अरेंजमेंट है एक कोई यहाँ पे इंटर सेलुरर स्पेस जो है वो नहीं आप ड्रा करते हो कभी भी एपिडर्मिस में और थोड़ा थोड़ा इंटरप्शन जो है वो इनमें आएगा और वो भी किसके थ्रू आता है वो आता है जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यानी कि आप छोटे छोटे पोर बनाते हो स्टोमेटा uh, uh, और यही स्टोमेटा जो है वो इंटरप्शन क्रिएट करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में अदरवाइज uh, जो सेल्स हैं इसकी एपिडर्मल लेयर की वो क्या हैं कॉम्पैक्ट हैं कोई वहां पे गैप uh, नहीं आपको मिलेगा क्लियर एंड दिस वॉज द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड सेकेंड वन इज वस्कुलर टिश्यू सिस्टम और जो आपका वस्कुलर सिस्टम है ये आपका कंपोज होता है जाइलम एंड फ्लोयम का ठीक है और जो जाइलम और फ्लोयम है ये आपके पास जो है बेसिक एलिमेंट्स हैं ठीक है ठीके? और एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज होते हैं और इनको हम बोलते हैं वस्कुलर बंडल्स और ये जो वस्कुलर बंडल्स हैं जैसे हम डाइकॉट स्टेम ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे कैम्बियम आप ड्रॉ करते हो किस और किसके बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्लियर तो जब हमारे पास जो है हम डायकॉट में तो हम कैम्बियम ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन मोनोकॉट जो स्टेम होती है वहाँ पे कोई भी कैम्बियम नहीं होता है यानी कि इसका मतलब कि कैम्बियम वहाँ पे क्या होता है एब्सेंट होता है इसीलिए आप इन वस्कुलर सिस्टम को बोलते हो कि ये क्लोज्ड हैं जबकि डायकॉट में क्या थे ओपन थे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम और अगर आप स्टेम ड्रा करते हो लीफ ड्रा करते हो तो वहाँ पर भी आप क्या ड्रॉ करोगे जाइलम एंड फ्लोएम क्लियर तो इसका मतलब आपका जो वस्कुलर सिस्टम है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ द टू टाइप ऑफ एलिमेंट एंड दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम तो ये आपका सेकेंड टाइप था थर्ड आता है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और इसमें हमारे पास जो है आ, ये हम बोल सकते हैं कि मेन जो बॉडी है प्लांट की वो कॉन्स्टिट्यूट होती है इसी के ही तभी हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को दूसरा जो नाम दे रहे हैं ना दैट इज बेसिक और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम क्लियर अब इसमें आपके पास एक तो जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है यानी कि एपिडर्मिस है वो नहीं होगा और ना ही वस्कुलर सिस्टम होगा जैसे मोनोकॉट स्टेम में आप ग्राउंड टिश्यू जो है वो ड्रॉ करते हो कॉन्टिन्यूस मास जो है सेल्स का वो ड्रॉ करते हो और उसी पेरनकाइमटस टिश्यू में आपके पास स्केटर्ड फॉर्म में जो है वो होता है वस्कुलर सिस्टम और वो स्केटर्ड फॉर्म में है मेन यहाँ पे क्या है जो अंदर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा वो किसका होगा ग्राउंड टिश्यू का ठीक है अब जो ग्राउंड टिश्यू है आपका यानी कि जब हम वुड एनाटमी करते हैं कैम्बियम ड्रा करते हैं जाइलम ड्रॉ करते हैं फ्लोएम ड्रा करते हैं और आपने एक दो टाइप की वुड स्टडी की होनी हार्ट वुड और सैप वुड ठीक है और वैसे लीफ एनाटमी है आपकी तो वहाँ पे भी हम ड्रॉ करते हैं तो यानी कि आपके पास हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्राउंड सिस्टम है दैट इज़ द मास ऑफ कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ पेरनकाइमेटस सेल्स क्लियर एंड दीज थ्री वर द बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम uh, अब हम इसके बाद जो है कर थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टडी करेंगे और वो है हमारी हिस्ट्री ऑफ प्लांट एनोटमी यानी कि जैसे हमने uh, जो बॉटनिस्ट हैं हमारे uh, हैं सैक्स उनका नाम लिया हमने कि उन्होंने हमें ये जो टिश्यू सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया था अब ऐसे ही हमारे पास और भी बॉटनिस्ट हैं जिन्होंने जो प्लांट अनोटमी है उस फील्ड में अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन जो हैं वो दी हैं हमें यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो हैं इन ऑर्गन की इन टिश्यू सिस्टम्स की की हैं तो हमारे पास एक और साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक जिनसे आप काफ़ी फैमिलियर हैं तो इन्होंने ही सिक्सटीन में जो है वो सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो स्टडी किया था ठीक है और आपने एक और बात सुनी होगी कि जो थिंग स्लाइसीज़ है कॉर्क की ठीक है जो हम वुड से लेते हैं तो वो इन्होंने पहली बार जो वो स्टडी की थी ठीक है तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो रियल फाउंडर हैं प्लांट एंड के तो वो आपके जो हैं बायोलॉजिस्ट हैं कॉर आ, वो हैं जैसे माल पी जी आए हैं एनग्रीव हैं तो इन्होंने भी अपना जो काम है वो प्लांट एनॉटमी पे भी किया है हेबरलेडेंट है लेडेंट हैं रॉबर्ट ब्राउन हैं और जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं एक और आपके डी बैरी और सैन्यो है, हैंस्टीन हैं तो ये सारे के सारे जो हैं आपके किससे कंसर्न हैं प्लांट एंडऑटमी से तो मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि आप प्लांट एंडटमी पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से बायोलॉजिस्ट हैं या बॉटनिस्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन किसके लिए हैं प्लांट एनऑटमी के लिए तो मेन हमारे पास एक तो रॉबर्ट हुक का जो नाम है वो तो आएगा ही आएगा सबसे पहले बाकी हमने दो चार साइंटिस्ट के और नाम आपको बताए तो ये हमारा जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था वो प्लांट एनऑटमी से कंसर्न था अब हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज़ मॉडर्न ट्रेंड्स अब जैसे जैसे एडवांसमेंट्स आ रही हैं हर फील्ड में आती हैं तो हमारी बॉटनी में भी आई हैं अब बॉटनी में आई हैं हमारा जो मेन पेपर है हम वो क्या स्टडी कर रहे हैं प्लांट एनऑटमी तो प्लांट एनऑटमी अगर हम बोलेंगे कि मॉडर्न टाइम में उसका किस तरह से ट्रेंड है किस ट्रेंड में वो है तो वो आपके पास है एक तो मेन जो अटेंशन हम लोग जैसे आजकल मेन प्लांट स्ट्रक्चर पे देते हैं तो, हैं। तो मतलब फ्लावर्स हैं तो मतलब आपके जो फ़्लावर्स हैं तो उनका काफ़ी इंपॉर्टेंस है चाहे हम एस्थेटिक वैल्यू लें उसकी या आपकी ब्यूटिफिकेशन लें जैसे हमने एस्थेटिक वैल्यू में ही बोल दिया ठीक है क्लियर उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट सीड्स हैं फ्रूट्स हैं तो ये सारे हमारे डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका फिजोलॉजिकल प्लांट एनऑटमी है अब हमने फिजियोलॉजी तो स्टडी की है प्लांट फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं लेकिन प्लांट एनआटमी में भी फिजियोलॉजी तो वो क्या आ गया आपके पास एक न्यू मॉडर्न ट्रेंड है इन केस ऑफ प्लांट एनाटॉमी एंड दैट इज़ कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल प्लांट एनाटॉमी यानी कि दैट इज कंसर्न विद द एग्जिस्टिंग या एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स एंड दैट इज़ रिलेटेड विद द इंटरनल प्रोसेसिस तो वही आपका क्या कहलाएगा प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि ये आपका वन ऑफ द मॉडर्न ट्रेंड है प्लांट एनाटमी के केस में और वो पहला जो ट्रेंड है वो क्या आया फिजियोलॉजिकल प्लांट एनाटमी एंड सेकंड वन इज़ इकोलॉजिकल प्लांट एनाटमी अब आपने फर्स्ट ईयर में इकोलॉजी जो है वो सेकंड पेपर में स्टडी की है तो अब मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इकोलॉजी क्या होती है तो हम जो मॉडर्न ट्रेंड है इकोलॉजी का वो किस में कनेक्ट करेंगे प्लांट एनाटमी में और उसी को ही हमने क्या नाम दे दिया इकोलॉजिकल प्लांट यानी कि आपने जो एनवायरनमेंट है आपका जो सराउंडिंग है प्लांट्स का जो सराउंडिंग है उसका जो इम्पैक्ट है उसका जो इफेक्ट है वो किस पे स्टडी करेंगे प्लांट स्ट्रक्चर्स के ऊपर तो वही आपका क्या कहलाएगा फिर इकोलॉजिकल प्लांट एनाटॉमी उसके बाद हमारा अगला ट्रेंड आता है पैथोलॉजिकल प्लांट एनाटॉमी अब आपकी जो पैथोलॉजी है वो कंसर्न होती है प्लांट डिजीजेज से अगर अब हमें डिजीज़ के बारे में नॉलेज है या आपके जो डिजीज़ हैं ये कौन कॉज कर रहे हैं डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं और उनका बायोलॉजिकल फ़िजिकल एंड केमिकल करेक्टर जो है वो किस तरह से प्लांट स्ट्रक्चर्स के साथ कनेक्टेड है कैसे उसको इफेक्ट करता है तो वो स्टडी करना है हमने और वो आपका क्या किस में आएगा पैथोलॉजिकल प्लांट एनाटमी में और नेक्स्ट हमारा फोर्थ वन है कम्पेरेटिव और सिस्टमेटिक टिक प्लांट ए नॉटनी अब हम क्या करेंगे कंपेरिजन करेंगे अब आ, कोई भी हम टॉपिक स्टडी करते हैं तो उसको हम किसके साथ रिलेट करते हैं किसी और ऑब्जेक्ट के साथ या किसी और टॉपिक के साथ तो यहाँ पे भी हमारा काम क्या होगा कंपेयर करना है यानी कि हम क्या कंपेयर करेंगे डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं अब हमने डिफरेंट टैक्सा पड़े हैं डिफरेंट स्पीसीज़ का हमें पता है आपने टेक्सोनॉमी स्टडी की है तो आपको पता है कि फैमिलीज बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो प्लांट्स की हैं कोई सोलनेसी से रिलेटेड uh, uh, है कोई आपका एपोसाइनेसी से रिलेटेड है तो मतलब जस्ट एग्जांपल है तो मतलब हमने कंपेयर करना है इस तरह से और उनकी आपस में जो फाइलोजेनेटिक uh, बॉन्डिंग है वो भी स्टडी करनी है तो ये जो हमने तीन चार चीज़ें बोली uh, या आपकी क्या है मॉडर्न ट्रेंड्स हैं प्लांट एंड ऑटमी में तो इस तरह से हमने प्लांट एंड ऑटमी जो है क्या है उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं टिश्यू सिस्टम क्या है और फिर हमने कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें जो हैं हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें जो हैं प्लांट एनाटमी की वो स्टडी की फिर हमने एट लास्ट मॉडर्न ट्रेंड जो हैं कैसे कैसे हम जो नए कंसेप्ट हैं हमारे और बॉटनी के उनको हमने कैसे अनोटमी के साथ प्लांट एनाटमी के साथ उनके स्ट्रक्चर्स के साथ चाहे वो स्टेम स्ट्रक्चर है या रूट का है या लीव का है फ्लावर है जो भी हैं उनके साथ उनको क्या किया रिलेट किया तो ये हमारा जस्ट आज जो था वो प्लांट एंडटमी का इंट्रोडक्शन था तो ये हमने अभी इंट्रोडक्शन स्टडी किया आज इसमें हमारा जो सिलेबस का है हम ये बोल रहे हैं तो वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये आपका सलेबस uh, में नहीं है लेकिन ये इंट्रोडक्शन जाने बगैर हमें ये भी पता नहीं चलता है कि प्लांट एंडऑटमी क्या है तो मतलब सिलेबस पढ़ने से पहले हमारी जस्ट ये क्या थी एक थॉर स्टडी थी प्लांट एनऑटमी के बारे में तो ये हमारा आज का लेक्चर मुझे होप है कि आप अच्छे से इसको सुनोगे और पढ़ोगे और फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा स्पेसिफिक है एंड दैट इज़ ऑन यूनिट फर्स्ट और वो टिशू सिस्टम होगा जो हम कल करेंगे और अगर आपको जैसे घर पर वैसे तो मैं डेली कुछ ना कुछ मटेरियल आपको सेंड करूँगी नोट्स की फॉर्म में या ऐसे ही वीडियो बना के कुछ ना कुछ लेक्चर प्रोवाइड आपको करूँगी लेकिन आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी अगर बुक चाहिए घर पे तो आप जैसे मॉडर्न की है या ट्रू मैंस की है मार्केट में सभी बुक्स अवेलेबल होंगी तो आपको ये एक बुक जो है टेक्स्ट बुक की फॉर्म में अपने पास ले सकते हो और मिल रही होंगी मार्केट में तो ले सकते हो अगर नहीं है तो मैं आपको वैसे भी फ़ोटो क्लिक करके वैसे डेली का या नोट्स की फॉर्म में कुछ ना कुछ भेज दिया करूँगी एंड दिस वॉज़ द लेक्चर थैंक यू